हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम जाने वाले हैं विधान नगर सॉल्ट लेक सेक्टर 1 पर। आज हमारे एसएसबी के टूर स्किप देने वाला है, वो लेने के लिए हम जा रहे हैं। सो अभी हम खड़े हैं रास्ते पे ऑटो पकड़ने के लिए। थोड़ी देर बाद हमारा ऑटो आएगा, तो हम ऑटो पकड़ के जाएंगे ऐसे सीधा हावड़ा स्टेशन। सो गाइस, अभी हम हैं हावड़ा बाजार में और मेरे सामने ही, ठीक सामने ही हावड़ा स्टेशन है। तो अभी मैं टिकट काटने के लिए जा रहा हूँ। तो ये जो सामने स्टेशन रोड है ना, यहाँ पर तो दूसरे दिनों की तरह बहुत भीड़ रहता है, आज तो बहुत खाली सा है। हमारा जो ट्रेन आने वाला था आज, वो बहुत लेट है। तो अभी हम हावड़ा स्टेशन पे खड़े हैं, ट्रेन के लिए वेट कर रहे हैं। पता नहीं कब आएगा ट्रेन। सो आज तो पूरा स्टेशन बहुत खाली खाली सा है, कोई ज़्यादा लोग नहीं है, खाली सा है पूरा, आप देख सकते हो। हमारा ट्रेन आ चुका है, आप देख सकते हो सामने ही हमारा ट्रेन है। और ऐसा ट्रेन हमारे हावड़ा में बहुत कम ही देता है, लेकिन मैंने पहले कभी देखा नहीं, आज देख रहा हूँ। इसका जो दरवाज़ा है ना, बहुत छोटा है। हमारा जो लोकल ट्रेन देता है वो अलग सा है। ये शायद किसी और साइड का ट्रेन है जो आज दे दिया है पूरा का ट्रेन। अब ट्रेन के अंदर में जाके देखेंगे कैसा है। अभी हम ट्रेन के अंदर है, तो ट्रेन का अंदर में तो बहुत बढ़िया है। इसका सीट तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत सॉफ्ट है। पर तो बहुत लोग हैं ट्रेन के अंदर। अभी अभी जो लोग आए हैं, उतरे हैं ट्रेन से, इस साइड में भी बहुत भीड़ है। पहले तो खाली सा था स्टेशन, इस साइड से लोग भी उतर रहे हैं। इस साइड कुछ अंकल हैं झाल मुड़ी लेके, इस साइड भी बहुत भीड़ है। सो अभी हम हमारा एक सीट लेके बैठते हैं खिड़की के पास। सो हम खिड़की के पास बैठ चुके हैं। अभी कुछ देर बाद ही हमारा 5 मिनट में ट्रेन छोड़ देगा यहाँ से, ज़्यादा देर रुकता नहीं। तो विधान नगर जाके आपसे मुलाकात होगी। विधान नगर रेलवे स्टेशन पर है और यहाँ से हम जाएंगे सेक्टर 1 बस पकड़ के। वहाँ पर एसएससी एडुकेटर से हमको गिफ्ट वाउचर लेना था, तो मेरा एक फ्रेंड आने वाला है, उसके साथ मैं जाऊँगा। वो अभी बस में है, तो वो आने वाला है। मेरा जो फ्रेंड आने वाला था वो अभी आ चुका है। और दोस्तों एक दिक्कत हो गई, हम जहाँ पर जाने वाले थे वहाँ पर जाने में हमें लेट हो गई। जल्दी से बस पकड़ के सेक्टर 1 चला आया, क्योंकि हमको लेट हो रहा था आने में बहुत। तो हमने आने का जो वीडियो शूट कर नहीं पाया, बहुत भीड़ था बस में। और सामने ही हमारा ऑफिस है, वहाँ पर हम जा रहे हैं पैदल। उस टाइम 2-3 मिनट लगेगा, वहाँ से वो हमारा जो किट है वो लेके निकल जाएंगे। हम ऑफिस में चले आए और हमारा साथ जो मेरा दोस्त आया था वो बहुत शर्मिला है। वो कैमरा देखने से वो मुस्कुराता है। मैं अब घर जाने वाला हूँ, क्योंकि अंधेरा हो रहा है और घर जाने में बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि मेरा घर बहुत दूर है ना। और जो मेरा दोस्त आया था वो कृष्ण नगर लोकल पकड़ के चला गया घर। और मेरा भी ट्रेन आने वाला है, बुनगा लोकल आने वाला है, वो आ रहा है। सो कुछ देर में आने वाला है 2 नंबर प्लेटफॉर्म में, तो उसके लिए वेट कर रहे हैं हम। तो घर जाके मुलाकात होगी, क्या चीज़ हमको मिला हो हम दिखा रहे हैं, दिखाएंगे घर जाने के बाद।
सो मैं कुछ देर पहले ही अपने घर लौटा, तो मैं विधान नगर से जब ट्रेन में उठा था तब 6 बज रहा था, तो आने में 1 घंटा समथिंग लगा हमको आने में। तो हम अभी 8 बज रहा है, तो मैं फ्रेश होके अभी बैठा हूँ यहाँ पर। को बुलाया था फ़ोन करके जे तुम्हारा एक पार्सल है जो तुम ले जाओ, तो हम गए थे। सो चलिए देखते क्या गिफ्ट वाउचर उन्होंने हमको दिया। सो ये है दोस्तों हमारा जो गिफ्ट पैक के साथ एक बैग दिया था मेरा, जो मैं लाने भूल गया। कुछ दिन पहले मैंने एक इलेक्ट्रिकल कोर्स किया था SNCB एडुकेटर के अंडर में, वहाँ से सीखने के बाद वो लोग हमको बोले थे तुम लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए एक टूल्स किट देने वाले हैं हम लोग गिफ्ट में। सो वो तो बहुत दिन पहले मैंने 6 महीने पहले सीखा था, तो आज उनका कॉल आया था तो हम गए थे लाने के लिए। इनमें बहुत सारी चीज़ें घर में छोटा मोटा काम करने के लिए, जैसे घर के कुछ भी काम, इलेक्ट्रिक डिवाइस का जो भी काम है वो ठीक कर सकते हो तुम इससे। TV हो, AC, फ्रिज, जो भी हो, पंखा का लाइट सब ठीक कर सकते हो इससे। सो इनमें इसके अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रिक गैजेट है, तो एक एक करके हम आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ हमको दिया गया है वहाँ से। बस कुछ पानी का प्रेशर मापने के लिए हमें लगता है ये तो हो गया। ये है दोस्तों रूम टेम्परेचर मापने के लिए। ये है डिजिटल थर्मोमीटर, आप देख सकते हो डिजिटल थर्मोमीटर है। यहाँ से इसको ऑन करके आप देख सकते हो, यहाँ से इसको ऑन करके फिर एवर फारेनहाइट है, देख सकते हो आप। इसको सेंटीग्रेड कर देते हैं, रूम का टेम्परेचर 31 डिग्री दिखा रहा है। 31 डिग्री हमारा जो घर का टेम्परेचर है, 31 डिग्री ये माप लेता है। तो इसको अभी साइड में रखता हूँ। तो दोस्तों ये है ब्लेजिंग टॉर्च। अब छोटा मोटा कुछ भी काम घर में, कोई टूट गया कुछ भी चीज़, उसको हम इससे ब्लेजिंग कर सकते हैं। ये पूरा पीतल का बना हुआ है, इससे हम कुछ भी चीज़ ब्लेजिंग कर सकते हैं। ये इसका नॉब है, इससे हम इनमें से जब गैस निकलेगा उसका आग को ज़्यादा कम कर सकते हैं छोटा मोटा। इसके नीचे कैन लगता है, इसके नीचे लगता है कैन, वो उनमें ब्यूटन गैस होता है, उससे काम करता है। और ये तो छोटा मोटा, इनमें तो ये सोल्डरिंग टूल्स है, और एक चीज़ है जो यहाँ पर है, हाँ ये जो चीज़ है ना, ये पूरा रेंज का सेट है। इनमें 6 से ने छोटा से बड़ा सब साइज़ का है, छोटा से बड़ा सब साइज़ का है यहाँ पर। हमें नहीं पता ये कौन सा किस जगह पर लगता है काम पे, वे नया है ना, हम ले आए। ये ट्यूब कटर है, किसी भी 150 कैपिलरी ट्यूब कटर। ये कैपिलरी ट्यूब AC और फ्रिज में लगता है, और भी छोटे छोटे जगह पर लगता है, उसको काटने के लिए लगता है। सो दोस्तों ये है ड्रिल मशीन, आप सभी ने देखा है इसको घर में, किसी भी जगह पे छेद करने के लिए लगता है, ड्रिल करने के लिए लगता है। इसको हम दिखाते हैं, ये बंदूक की जैसे दिखते हैं, बंदूक देखा है ना, बंदूक में के साथ और कुछ है, हाँ ये की है इसका, ये चार्ज, इससे करंट पास होता है। 220 वोल्ट लिखा है, 220 वोल्ट होने से चलता है। और इसमें इसका कुछ दिया है इलेक्ट्रिकल ड्रिल, ये बहुत मुझे ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती है जरूरत। इसका ये माथा है, इस पर इससे हम घुमाएंगे, ये ढीला हो जाएगा, ढीला होने के बाद
ये अंदर, ये चीज़ अंदर चला जाएगा। और हमारे पास अभी वो चीज़ नहीं है, इसमें जो ड्रिल का जो की होता है नुकीला सा, उसको इखा यहाँ पर लगाते हैं उसको यहाँ पर लगाते हैं। लगाने के बाद इसको टाइट देने से बड़े टाइट हो जाता है। देखा, अभी यह छोड़ेगा नहीं, इसको ऐसे ही की होता है, वो हमारे पास अभी नहीं है। तब जाके इसको चलाना पड़ता है, तब जाके ड्रिल होता है। तो यही कुछ था, और भी छोटा मोटा कुछ चीज़ है। ये जैसे पाइप कटर है, पाइप कटने के लिए लगता है। ये हेलो, इसके बारे में तो ज़्यादा कुछ पता नहीं है। ये प्लास है, जैसे छोटा मोटा काम करने के लिए लगता है प्लास। एक छोटा सा बैग दिया है, ये चीज़ शायद आपने कभी भी नहीं देखा। ये एल की है, ये छोटा छोटा सा जो स्क्रू होता है उसको खोलने के लिए ये बहुत काम का चीज़ें लगता है। यहाँ पर पॉइंट भी दिया है, कौन सी की खोलने के लिए लगता है। सो यही था दोस्तों, एक हैमर है, और ये है पाइप बेंडिंग। किसी भी पाइप को बेंड करने के लिए इसको लगता है। इसके अंदर जैसे पकड़ लो, इसके अंदर ये पाइप देने के बाद इसको बेंड करने से वो बेंड हो जाता है। और ये है हर तरह का की, इससे आप कुछ भी खोल सकते हैं। इसका हर एक पॉइंट अलग अलग सा, एक छोटा सा हथौड़ा जैसा कुछ है। इसका काम क्या है मैं नहीं पता। तो यही था गिफ्ट हमारे लिए। हम वहाँ पर कुछ ट्रेनिंग किया था ना कुछ दिन का, उसके लिए हमको दिया है। तो एक सिलाई रेंज दिया है हमको 8 का 200 mm, इससे किसी भी स्क्रू को आप खोल सकते हैं। सबसे ज़्यादा तो हमें यही चीज़ ही अच्छा लगा। तो अगले वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।